गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज संडे है और आज हम मैजेस्टिक में आए हुए हैं रॉयल एलिफेंट, और यहाँ के बारे में आपको दिखाएंगे। आज संडे, आज मूड में हैं हम और आज दिखाएंगे। आज करना है हम लोग को, आज राइडिंग पे जाना है। तो हंटर है, क्लासिक 350 है, जितना भी मेरा जो फेवरेट बाइक है वो इलेक्ट्रा है और एक प्योर ब्लैक में आता है, वो मेरा फेवरेट है। अभी उसको लेके यहाँ से राइडिंग करेंगे हम लोग और उसका ऐड करेंगे। ऐड में हमको बुलाया गया है, ये लोग बुलाए हैं हमको। आज दिखाते हैं बाइक और यहाँ के लोगों से मिलाते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि ये जो पुराना बाइक जो स्टार्ट हुआ है यहाँ, हाँ ये देखिए, ये जो इसका रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से 1960 में ये रॉयल एनफील्ड विंस आया था, पिक गियर रन, इसको देखिए। फिर इसके बाद ये बाइक आया है, उसके बाद ये बाइक आया है, उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चेंजेज हुआ है, बदलते रहा है। फिर ये आया है, इसका इंजन के बारे में दिखा रहा है। फिर ये आया है, बड़ा बेहतरीन है ये। फिर ये सब जो है इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, और ट्रांसफॉर्मेशन करते करते देखिए अब जो हम लोग अभी जो जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो हम लोग का बाइक है वो है ये वाला रॉयल एनफील्ड, जितना चेंज होकर के इसमें आया है। आइए आपको मिलाते हैं, आइए इधर आशीष जी, इसके बारे में कुछ, इस बाइक के बारे में कुछ बताइए। पहले इसका वीडियो बता देते हैं। हाँ श्योर सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। सर ये जो है, ये मॉडल है सर, इसको हम लोग जो अपना एक मैन्युफैक्चरिंग लैंग्वेज से अगर बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग बुलेट 350 KS, स्टैंडर्ड मॉडल है जो रॉयल एनफील्ड का रिप्रेजेंट मॉडल है। ये मॉडल आपको रिप्रेजेंट करता है, ये ओरिजिनल एकदम बुलेट वाला फील आपको देगा, ओरिजिनल बुलेट वाला फील देगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये सामने क्लासिक भी खड़ी है। क्लासिक तो देखिए, ये आपका अपग्रेड के साथ है जो काफ़ी बेहतरीन है, और रॉयल एनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक में से, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक जो ये है, हाँ बिकने वाली में से है। उसके बाद इसमें फिर ये काफ़ी कलर भी है, कलर सेगमेंट है, जैसे कि ये क्रोम सेगमेंट में आता है, इसमें दो कलर है, ये क्रोम ब्रॉन्ज है, इसमें एक रेड भी आती है, और उसमें भी आपका दो कलर है, एक ब्लैक में पूरी एकदम मैट ब्लैक में आती है। अब फिर आगे भी देख पा रहे होंगे कि ये आपका रेड मैट है, जो कि सबसे क्लासिक की बेस मॉडल है, जो सिंगल डिस्क सिंगल चैनल एबीएस आती है। बाकी फीचर्स, इंजन जो भी है, टायर का साइज, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो भी है, सारा कुछ सेम रहता है, सिर्फ डिस्क एलॉय और कलर का ही अंतर रहता है उसमें। और एक ये कौन सा मॉडल है ये? हाँ, ये बेहतरीन मॉडल लग रहा है। ये मॉडल है सर विक्टोरिया 350 क्रूज है, इसमें तीन वेरिएंट आता है सर। एक फायरबॉल में आता है सर, जो सबसे बेस है, उसके बाद एक मिड आता है स्टेलर में, और ये टॉप वेरिएंट हो गया आपका सुपर नोवा में। इसमें भी काफ़ी कलर है सर, और बहुत ही लाजवाब कलर है, जो कि इसको अपग्रेड के साथ बनाया गया है, जो हम लोग थंडरबर्ड में यूज़ करते थे, जो आप जानते थे, हमने देखे भी होंगे थंडरबर्ड वॉट पे काफ़ी चल रही है। तो थंडरबर्ड की जगह से इसको क्या किया है, रिप्लेस अपग्रेड वर्जन है। इसमें आपको काफ़ी क्लोज फील होगा एकदम, राइडर को एकदम, राइडर के साथ साथ प्लेयर जो भी बैठते हैं इसके पीछे, उनको भी काफ़ी बेहतरीन फील होगा। और स्मूथनेस के साथ साथ ये काफ़ी रोड ग्रिपिंग, ब्रेकिंग में और लूप में, और जैसे कि इसका वायर वगैरह आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी मतलब फ्री वायर लूप के साथ है। इसमें आपको मतलब कुछ ज़्यादा ये नहीं दिखाई देगा कि गाड़ी में होता है, और ये कॉम्पैक्ट में देखिए, काफ़ी कॉम्पैक्ट में बनाया गया है, और काफ़ी बेहतरीन है, जिसको हमारे कस्टमर जो भी रॉयल एनफील्ड के कस्टमर हैं और जो भी हमारे पास नए आ रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं सबको। तो आज तो देख लिया, और मुझे एक हंटर बाइक के बारे में मैंने सुना था, जो उसके बारे में क्या बताएं? हाँ, हंटर के बारे में सर, देखिए एक चीज़ होता है ना कि सर रॉयल एनफील्ड जो लेना चाहते थे तो काफ़ी वेट, काफ़ी प्राइस ज़्यादा होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, और शॉर्ट हाइट वाले के लिए भी दिक्कत होता था कि नहीं, रॉयल एनफील्ड की बाइक थोड़ा हाइट में ज़्यादा होती है, और वेट की वजह से वो लोग नहीं ले पाते थे, प्लान करके भी वो लोग चाह के भी नहीं ले पाते थे। तो उनके लिए कंपनी ने एक ऐसा किया है कि हंटर लाइट वेट के साथ साथ शॉर्ट हाइट वाले के लिए, और एवरेज सभी के लिए सही है, लेकिन 18-35 के लिए, एज वाले के लिए वो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है। और इंजन तो सेम है, फीचर्स भी सेम है, सिर्फ लुक और ये स्पोर्ट्सी लुक में दिया है, जो एक होता था ना कि कस्टमर के मन में कि रहता था कि नहीं रॉयल एनफील्ड की बाइक लेंगे तो थोड़ा स्पोर्ट्सी लुक मिलना चाहिए, तो वो गाड़ी में आपको मिलता है। मतलब हंटर आपको सेटिस्फाई करने के लिए दिया गया है, हाइट छोटा हो, थोड़ा उसको अलग लुक दिया गया है, दाम में भी किफ़ायती किया गया है, कम किया गया है। ये बुलेट शोरूम का डिज़ाइन है,
ये टंकी का ये कलर वाइज लोगो ऐसे लगा हुआ है कि अब ये कलर पहले में जो आते थे अभी वो बंद कर दिया गया है। इसमें से सिर्फ अभी बुलेट का स्टैंडर्ड जो है यही वाला आ रहा है। ये सारा कलर डिसकंटिन्यू हो गया है जो अभी नए में नए कलर और काफी बेहतरीन जो एक मनमोहक कलर है। अभी तो हम लोगों ने बुलेट शोरूम के बारे में आशीष से मिले, आशीष से बात किए, ठीक है, आशीष बाइक के बारे में बताया और हम तो पहले यहाँ आए हैं तभी यहाँ का वीडियो बना रहे हैं। तो अभी जो मेन यहाँ का जो हीरो है ना, जो मतलब क्या बोले उसके बारे में, जितना उनके बारे में, उसके बारे में गलती हो गया, सॉरी कान पकड़ते हैं, तो यहाँ का मैनेजर, तो मैनेजर का नाम है सुशील झा, जो बेहतरीन मैनेजर में से एक है। अब इंग्लिश से हमको आता नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर इन इंडिया बोल देंगे उनको, तो भी कम है उनके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है उनके तारीफ के लिए। खतरों के खिलाड़ी है, ठीक है, सुशील झा, उन मतलब हम उनसे बहुत इंस्पायर हैं, उनका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल से इतना अच्छा आज वो है नहीं, एक्चुअली आज संडे है तो वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं, अगर वो रहते तो आपको मिलाते। जैसा बुलेट बाइक है ना वैसा यहाँ का मैनेजर, हम मैनेजर का आज हमको मिलना था उनसे, आज का इंटरव्यू लेते आज उनको दिखाते, लेकिन वो अभी है नहीं। मस्त आदमी है और कड़ा भी है, हमको तो लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर है, चश्मा उसमें पहन के उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बाप रे बाप हैवी है, मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, सेल्समैन सबको भी सेटिस्फाई करते हैं और फाइनेंसर जो है उसको भी सेटिस्फाई करते हैं और ऊपर अपने जो ऊपर हेड है उनको कॉल भी आता है जहाँ से, उनको भी सेटिस्फाई करते हैं और काफ़ी इंस्पिरेशन भी मिलता है उनसे। हाँ, आशीष बताएं मैनेजर के बारे में, मैनेजर तो है नहीं आज। हाँ, आज तो दिन संडे है जो हम लोग मतलब संडे के दिन भी अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि कस्टमर का रेशियो के वजह से और हम लोग चाह रहे हैं कि इन्हें काफ़ी बेहतरीन कर पाए और जो भी ऑफिशियल स्टाफ होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में या बाकी और प्राइवेट सेक्टर में भी करते हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है कि संडे छोड़ के वो नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग संडे को अभी ओपन कर रहे हैं शोरूम और चाहते हैं कि कस्टमर जो भी मतलब नहीं आ पाते वो संडे के दिन आए और हमें सर्विस देने का मौका दें और काफ़ी बेहतरीन जो हम लोग दे सकते हैं और अगर उनको सेटिस्फाइड जैसा मिल जाए वैसा हम लोग देना चाह रहे हैं। और दूसरी बात है कि आज हमारे जो SM सर हैं सुशील सर वो आज शोरूम नहीं आए हैं क्योंकि आज संडे है तो वीकेंड एक दिन मिलना चाहिए तो वो वीकेंड के वजह से नहीं आ पाए। और जो हम लोग तीन सेल्समैन हैं यहाँ पे हम मेरा नाम आशीष कुमार मंडल हुआ और एक चंद्रशेखर दास है और एक आपका पार्थो दास है जो हम लोग ये आशीष है। आशीष अपना पूरा नाम बताइए। मेरा आशीष कुमार मंडल हुआ, मैं यहीं दुमका से ही रहने वाला हूँ और बाकी दो हमारे साथी जो हैं एक चंद्रशेखर दास और एक पार्थो दास वो हमारे पड़ोसी जिला के हैं जो जामताड़ा जिला से बिलोंग करते हैं। ये लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं और अच्छा कस्टमर को मतलब सर्विस भी दे रहे हैं, अच्छा बिहेवियर के साथ भी जो हम लोगों को फीडबैक काफ़ी अच्छा मिलता है कस्टमर के। तो देखा आप लोगों ने, आशीष आपको यहाँ के बारे में बता दिया, मैनेजर के बारे में बता दिया और दो सेल्समैन के बारे में बताया, पार्थो दास और चंद्रशेखर दो सेल्समैन के बारे में बताया। अब उसका उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उनका क्या रिव्यू रहता है आज के संडे के दिन में क्या। चंद्रशेखर दास और पार्थो दास दो सेल्समैन बचे हुए हैं जिसका अभी इंटरव्यू हम लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि सेल्समैन का मतलब ही होता है उसमें कुछ खास बात, कैसे अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को अपना, कैसे कस्टमर के साथ बिहेव करते हैं। आशीष को देखा हम लोगों ने, आशीष को जाना और एक और ख़ास बात ये है कि आशीष में क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि वो बहुत अच्छा गला है उनका और अभी हम उनसे बैठा के, संडे का वक्त है और अभी राइडिंग पर लेट है तो उनको बैठा के अभी थोड़ा सा गाना वाना। ठीक, मैं एक सोच रहा हूँ कि आज सभी साथियों को जो भी आपके चैनल या आपके वीडियो के माध्यम से जिनके पास संदेश जाए तो एक अच्छा संदेश जाना चाहिए जो सोचते हैं कि आने वाली पीढ़ी इससे कुछ सीखे और थोड़ा बेहतरीन करने का सोचे जिससे हमारे देश का भी तरक्की हो और आने वाली पीढ़ी का भी एक नया मार्गदर्शन। ये तो हम चाहते हैं कि आज हम देशभक्ति गाने से एक दो लाइन गुनगुनाना चाहेंगे आप सभी के सामने जो बहुत ही मतलब देशभक्ति गाने पर आधारित है और देशभक्ति ही गाना है वो एक्चुअली जो काफ़ी टाइम पहले ही हमारे इसमें बॉलीवुड में एक मॉडर्न मूवीज जो हम लोगों ने देखा है उसके उस गाने को सनी देओल, सुनील शेट्टी और जो भी हमारे
रियल लाइफ के जो भी एक्टर हैं उस पे जो काम किए हैं उस पर्दे पे जो काफ़ी बेहतरीन निभाया, उसी गाने को मैं दो लाइन गुनगुनाना चाहूँगा आप सभी के सामने। संडे से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम भी मिले घर, सोना सोना है समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि चिट्ठी आती है कि पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम भी मिले घर, सोना बहुत अच्छा लगा हमको इनका आवाज़। मतलब देखिए खाना भूल गए थे लेकिन आप जहाँ तक गए बहुत अच्छा गए, और इनका आवाज़ जो है मतलब देखिए हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, तो इनके अंदर अभी हमको सबसे अच्छा इनका गाना लगा, और सबसे अच्छा लगा कि ये बिना हिचकिचाए और बिना शर्म किए अपना परफॉर्मेंस किए, ये सबसे अच्छा और ख़ास बात है, क्योंकि लोग शर्माते हैं लेकिन इन्होंने शर्माया नहीं, इन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया, तो ये इनमें खास बात है। आशीष जी आपने तो देशभक्ति का गाना तो गा दिया, और देश में रह रहे लड़के जो है युवा सब है जो अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं राइडिंग के लिए, और बाइक लेकर के जाएंगे, यहाँ से बाइक लेके जाना है हम लोगों को। आशीष हम लोग निकलने वाले बाइक के लिए यहाँ से ना, हम लोग राइडिंग के लिए निकलने वाले हैं, देखते हैं आज कौन सा बाइक देते हैं ये हमको चलाने के लिए, और यहाँ से राइडिंग करते हुए हमको जाना है। चलिए यही इसी बाइक में हमको जाना है अभी राइडिंग करने के लिए, ये बाइक इन्होंने हमको दिया है, ये भी जाएगा बाइक और ये भी जाएगा। Hello.